वेलकम टू बबीता किशन किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी अंकुरित रागी और ओट्स के कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ये हेल्दी कटलेट। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून रागी लिया था और इसे 8 से 10 घंटे के लिए भिगो दिया। भीगने के बाद पानी छान करके इसकी पोटली बना करके 1 दिन के लिए रख दिया किसी गर्म स्थान पर, और ये फिर उसके बाद अंकुरित निकल आए, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रागी बहुत ही हेल्दी होता है और इसमें जब अंकुरित निकल जाते हैं तो इसकी पौष्टिकता दोगुनी हो जाती है। अब इस अंकुरित रागी को मैं एक बाउल में डाल देती हूँ, साथ ही इसमें बारीक कटी हुई हरे प्याज के पत्ते डाल रही हूँ थोड़े से, और एक बारीक प्याज कटा हुआ भी डाल रही हूँ। अब इसमें 2 उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लिया था, वो भी इसमें डाल देते हैं। ये आलू बाइंडिंग का काम करेगा कटलेट में। और थोड़े से हरा धनिया के पत्ते डाल रही हूँ कटे हुए, साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है वो भी इसमें डाल दिया, और 1 इंच अदरक है उसको कद्दूकस करके डाल रही हूँ। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच ही अमचूर डाल रही हूँ, इससे एक चटपटा स्वाद आ जाएगा। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, साथ ही जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए तो रागी बेस्ट है। अभी मिश्रण बिल्कुल रेडी है, अब इससे कटलेट बना लेंगे। यहाँ मैंने हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लिया जिसलिए कटलेट बनाने में आसानी होगी। अब मिश्रण को थोड़ा सा हाथ में लेकर के इस तरीके से गोल शेप दे रही हूँ। आप अपने मनपसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं सिंपल राउंड शेप बना रही हूँ। और अच्छे से दबा दिया और बहुत ही ईजिली बन जाता है। इसी तरीके से हम सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून रागी का आटा लिया है, साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे, एक लिक्विड सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम कटलेट को डिप करेंगे, वैसा घोल चाहिए हमें, मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा चाहिए। साथ ही मैं थोड़ा सा रोल्ड ओट्स ले रही हूँ, इसे मैं कटलेट के ऊपर चिपकाऊँगी। अब कटलेट को रागी के आटे के घोल में अच्छे से डिप कर लेंगे। इससे डिप करने से एक अच्छी सी कवरिंग आ जाएगी कटलेट में। अब इस कटलेट को रोल्ड ओट्स में कवर कर देंगे, रोल्ड ओट्स की वजह से कटलेट में क्रंची पन आएगा। अब इसे मैं स्लो फ्राई कर लेती हूँ। अब गरम फ्राई पैन में मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, साथ ही जो हमने कटलेट तैयार करके रखे थे वो इसमें रख रही हूँ, और इसको हम सेकेंगे। थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी जिससे कटलेट सिकने में आसानी होगी और अच्छा सा कलर आ जाएगा। इस कटलेट में हम बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे हमें हेल्दी बनाना है। और इसे दबा दबा के पलट पलट के अच्छे से सेकेंगे सुनहरा होने तक। ओट्स होने की वजह से इसमें एक क्रिस्पीपन आ जाता है जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस कटलेट को आप शाम की हल्की भूख में या सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी। साथ ही ये खाने में भी बहुत ही हेल्दी है। इसको सीखने में 7 से 8 मिनट का समय लग जाएगा, और ये अब सीख गए हैं बहुत ही अच्छे से। इतना सुनहरा होने तक हमें इसे सीखना है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप भी सुपर हेल्दी टेस्टी कटलेट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इस कटलेट को किसी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।